हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बनिया किचन। फ्रेंड्स, नींबू पानी तो हम सब जानते हैं बनाना, लेकिन आज हम एक ऐसा नींबू पानी बनाएंगे जिसके 2 या 3 हफ्ते के लगातार सेवन से हम अपना 5 किलो तक का वज़न कम कर सकते हैं। और साथ ही ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, स्किन को नरिश करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखता है और बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं 2 नॉर्मल साइज़ के नींबू और इनको हमें सबसे पहले वॉश करना है। इसके लिए एक बर्तन लिया है मैंने और उसमें डाला है साफ पानी। और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, क्योंकि आजकल की सब्जियों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो इसे हमें बैक्टीरिया फ्री करना है। और इसकी जगह आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से साफ करने से इसमें 98% तक का बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह इसको मसल मसल कर अच्छे से धो लेंगे। फिर एक मैंने दूसरा बर्तन लिया है और उसमें लिया है साफ पानी। और अब हम इन्हें साफ पानी से धो लेंगे। और देखिए, नींबू हमारे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, साफ हो गए हैं, बैक्टीरिया फ्री हो गए हैं। अब नींबूओं को हम 2 हिस्सों में भाग में काट लेंगे। और अब हम निकाल लेंगे इन नींबूओं से जूस। देखिए, रस हमने यहाँ पर निकाल लिया है, लेकिन हमें अभी रस नहीं चाहिए। यहाँ पर रस का हम इस्तेमाल सैलेड में, सूप में, दाल में, सब्जी में किसी तरह भी कर सकते हैं। यहाँ हमें चाहिए छिल्लक। और जैसा कि हम सब लेमन जूस के फ़ायदे तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके छिल्लक के फ़ायदे बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें विटामिन सी और मिनरल्स, पोटेशियम जूस लेमन जूस से ज़्यादा होता है छिलकों में। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है 1.5 ग्लास पानी, छोटा ग्लास है ये, एक आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें अपने छिल्लक और इसे इतना उबालना है कि 1.5 कप जो हमने पानी लिया है वो 1 कप रह जाए। तो चलिए इसको उबलने के लिए रख देते हैं। देखिए, लेमन वाटर हमारा उबल कर 1.5 से 1 कप रह गया है और इसे हमें ग्लास में डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, इसको आप हो सके तो इसको गर्म पिएं, अगर गर्म नहीं पी पाते तो आप इसको गुनगुना करके पिएं, लेकिन फ्रिज में तो इसको बिल्कुल भी नहीं रखना और ना ही इसको ठंडा पीना है। और जब भी आपको पीना है इसे फ्रेश ही बनाकर पीना, चाहे आप एक नींबू के रस छिलक से बनाएं रस निकाल कर। और इसे हम अब मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक, नॉर्मल नमक हमें इसमें नहीं मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, हाई बीपी वाले इसको अवॉइड करें पीना। और इसे आपको दिन में 3 बार लेना है, 1/2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट के, 1/2 घंटे बाद लंच के और 1/2 घंटे बाद ही डिनर के। अगर आप 3 बार नहीं ले सकते तो कम से कम 2 बार इसे ज़रूर लें। और इसके साथ अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आप थोड़ा वॉक करें, हेल्दी डाइट लें, योगा करें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, इसको बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। कई लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा रहता है, क्योंकि हम इस ये लेमन वाटर हम छिलक से बना रहे हैं। तो इसको अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए आप कम से कम इसे 15 दिन तक तो ज़रूर लें। और अब मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप इससे ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।